लेकिन हम हमारी दावत को आपके मन और अपने कीमती वक्त को कुर्बान करते हुए हमारी दावत के ऊपर लब्बे कहते हुए तशरीफ लाए, इसके बेइंतहा हम ममनून और मशकूर हैं। हजरत, जिस मकसद के लिए आप तशरीफ लाए हैं वो मकसद चंद लम्हों में शुरू होने वाला है, इसका आगाज होने वाला है। अभी हमारे चीफ जो गेस्ट हैं, जो मेहमान खुसूसी हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं और कसीर तादाद में लोग तशरीफ ला रहे हैं। बस चंद लम्हों का और इंतजार है। मैं जानता हूँ इंतजार अल इंतजार व अशद मिन अल मौत, इंतजार करना दुश्वार तो है ही, लेकिन इंतजार भी तो अहले अकल ही करते हैं, अहले दानिश ही करते हैं। जिनके पास दानिशमंदी है ही नहीं वो क्या इंतजार करेंगे। लिहाजा चंद लम्हों की और इंतजार की गुजारिश है और उसके बाद में आपका प्रोग्राम आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। जो मखसूस जगह के अलावा दूसरी जगह पर है वो तशरीफ ले आए और यहाँ आपके शायान शान आपकी हैसियत के मुताबिक आपके लिए मसलत लगी हुई है, कुर्सियां लगी हुई हैं, कुर्सियों के ऊपर तशरीफ ले आए और बाकायदा आपको स्कूल को अच्छी तरीके से आपको मुआयना कराया जाएगा बाद में, ताकि जो मकसद लेकर के आप आए उस मकसद को शुरू कर किया जा सके। हजरात, आपको ये मालूम है कि आज ये हमारा खास इज्तिमा और जलसा या मजलिस या महफिल ये तालीमी निजाम के ऊपर मुनहसिर, तालीम की अहमियत, इल्म की वकार, इल्म की हैसियत, ये तो खुद इल्म ही लफ्ज इल्म ही खुद बातें करता है कि हमारी जिंदगी में इसकी अहमियत क्या है। इल्म से आदमी बीना बनता है, देखने वाला, इल्म से आदमी को आंखें बसारत नसीब होती, बसारत के साथ में बसीरत भी नसीब होती। कुरान मजीद का हम इस जगह पर एक हवाला देते हुए फख्र महसूस करेंगे। कुरान मजीद कहता है हर यस्तवी लदीना यालमून व लदीना ला यालमून, क्या जो लोग इल्म वाले हैं और जो इल्म नहीं रखते हैं कहीं वो दोनों बराबर हो सकते हैं। इसके साथ ही भी उसने एक दूसरा पैराया अंदाज अपनाते हुए बताया हर यस्तवी लदी हर यस्तवी जुलमात व नूर, कहीं अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकती है। अब नजर लगी जहालत को अंधेरे से, तारीकी से, रात से तारीख दीजिए और इल्म को, जानने को और बसीरत को, बसारत को दिन की रोशनी और उजाले से ताबीर दीजिए। बस जितना अंधेरे और उजाले के दरमियान फर्क है उतना ही इल्म और जहालत के दरमियान फर्क है। इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जितना नशेब में और फराग में, बुलंदी में और पस्ती के दरमियान जितना फर्क है उससे कहीं ज्यादा जहालत और इल्म के दरमियान फर्क है। और गौर कीजिए, तालीम याफ्ता इंसान के अंदर एक फितरी तौर से जो तहरीक आती है, जो शाइस्तगी आती है, जो सलीका आता है, जो शऊर आता है, वो किसी भी हालत में जहालत में नहीं आ सकता। लिहाजा जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बुरिस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना कर दिया गया, ऐसे उस्ताद बना करके दुनिया में आया, बुरिस्तु लिउतिम्म मकारिम अल-अखलाक, मैं अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में परवरदिगार आलम ने भेजा है। यहाँ पर एक कुरान मजीद की आयत मैं मौजूद समझता हूँ, मुनासिब समझता हूँ कि उसको पेश करूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक तरफ ये इरशाद फरमाया है وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, खुदा के इनामात अगर तुम शुमार करना चाहो मुमकिन नहीं कि शुमार कर सको। आज मेडिकल साइंस ने आपके इस बात को साबित कर दिया है कि इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे इनामात हैं कि जिनकी तरफ इंसान की अक्ल ने भी कभी
कि शायद 1400 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम की जात अकदस को छोड़कर इतनी गहराई के साथ और इतनी बारीकी के साथ और इतनी लताफत के साथ के कभी बातें नहीं हुई जैसा आप शबरूद मुशाहिदा करते ये लय खुले हुए इनसे आपको अंदाजा होता है। एक वाक्य आता है कि एक बुजुर्ग ज़ईफ आदमी तबीयत खराब थी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे और उनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी और ऑक्सीजन 24 घंटे चलता है। ऑक्सीजन के बाद में जब उनकी तबीयत सही होती है तो कुछ डॉलर का उनको एक बिल पकाया जाता है कि ये आपके 24 घंटे के ऑक्सीजन का है। उन्होंने देखा सारों थकान होने लगे, बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गए और इस कदर हालत उनकी गैर हुई कि स्टाफ को भी उनके ऊपर तरस आने लगा। कहने लगे कि जनाब क्या आप इस बिल की कीमत देख करके हैरत में पड़ गए, ज्यादा है? तो मैं नहीं 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 ज्यादा नहीं है, इस बिल की कीमत को देखकर और इस बिल को देखकर मैं नहीं रो रहा हूं, मैं कुछ और देखकर रो रहा हूं। तो हमको बताइए क्यों रो रहे? तो कहा 24 घंटे की ये मस्नूई सांस जो आपने दिलाया है, ऑक्सीजन को दिलाया है, इसकी कीमत 24 घंटे की इतनी है। 85 साल से हम बगैर ऑक्सीजन के, बगैर सिलेंडर के जी रहे हैं, किस कदर हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया। मेरे रब ने एक मंतवा भी नहीं कहा कि इसका हमें बिल चाहिए, इसके ऊपर मैं हो रहा। तो आप अंदाजा लगाइए जो कहता है मैं अगर खुदा के इनामात शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। आप एक मैंने आपके सामने नजीर रखी, एक मिसाल रखी, लेकिन वहीं पर कुरान मजीद एक और बयान देता है सारी इंसानियत को मुखातब को छोड़ देता है कि हमारे तुम्हारे ऊपर जो एहसान शुमार से ऊपर है और तुम्हारी हैसियत नहीं कि उनको तुम शुमार कर। लेकिन एक दूसरा पैरा अंदाज अपनाते हुए फरमाता है لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين। अल्लाह का एहसान सारी इंसानियत के ऊपर उनको वजूद बख्शा, अदम से वजूद दिया, फना से एकदम उनको वजूद दिया और उनके रिहाइश के लिए और उनको जमीन के ऊपर गुजर बसर के लिए बेशुमार इनामात से मालामाल किया। फिर उसी तरफ से अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम पर एक और अजीम एहसान किया और वो एहसान ये है कि हमने तुम्हारे दरमियान अपना पैगंबर भेजा और वो जो एहसान करते हुए हमने अपना पैगंबर मबऊस किया है उसकी खासियत क्या है, उसकी सिफत क्या है? वो मुअल्लिम है, तुमको अखलाक और किरदार की और जिंदगी जीने का शऊर और उसका सलीका सिखा। अगर उसके तरीके के ऊपर तुम चलोगे तो इंसानियत के मेराज कमाल तक पहुंचाओगे, ये गारंटी। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी के नक्शे कदम पर चलने में बेहतरीन आइडिया मौजूद है। जमीन के अंदर खुदा ने इंसानियत को पैदा किया और इंसानियत को पैदा करने के बाद उनके लिए एक मॉडल बनाकर पेश किया, एक आइडियल पेश किया कि तुम्हें ऐसे जिंदगी गुजारना है जैसे हमने ये मॉडल पेश किया। वो मॉडल क्या है? वो मॉडल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुनसिफ मिजाज, तालीम याफ्ता, तशद्दुद से हटकर, बुनियाद परस्ती से गुरेज करते हुए एक इंसान को पैदा करने वाले ने खुदा ने एक इंसान पसंदी का जज्बा भी दिया है। उसके सामने अगर किसी के ऊपर नाक जुल्म जाती होने लगे तो ला मुहाना उसके दिल के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती कि नहीं ये गलत हो रहा है। इल्ला माशाअल्लाह कोई हैवानी सिफत का आदमी हो तो वो हम उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन आम लोगों को खुदा ने जो फितरत दिया है, जो सलाहियत दिया है, वो ये है कि वो जुल्म को नापसंद करता है और उसको जज्बे को दबा ले जाए। वो अलग बात है कि जज्बा आता जरूर है,
तो ये इंसाफ पसंदी के बाद में अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगानी का एक मरतबा मुताला किया जाए, एक मरतबा जायजा लिया जाए, एक मरतबा पढ़ा जाए, तो मजबूर हो जाएगा मुंसिफ मिजाज उसका इकरार किए बगैर उसको करार दे देना चैन नहीं है। पूरी 63 साल जिंदगी उसके अंदर कैसे जुल्मो सितम के पहाड़ उड़े गए जिसका अंदाजा आज तक रहती दुनिया ने तसव्वुरात नहीं उसके अंदर आ सकता। ऐसे जुल्मो सितम, ऐसे खून के प्यासे दरिंदे सिफत इंसान जिन्होंने अपनी हैवानियत के और नंगे नाच की सारी हदें पार कर दी थी। और वो एक वक्त आया बहुत कम 10 साल के बाद में वो वही जिसके ऊपर जो जुल्म का निशाना बने थे उनके हाथ में जब पूरा अख्तियार आता है वही जालिम बनकर सामने खड़े होते हैं। एक लम्हे में उस साथ ने कहा ला तसरीब अलैकुम यौम व अंतुम तुरदा। कोई इल्जाम तुम पर नहीं, सब के सब आजाद हो तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं, हम तुम्हें गिला भी नहीं देते, हम शिकवा भी नहीं करते, हम तुम्हें आग भी नहीं गिलाते, हम तुम्हें शर्म भी नहीं गिलाते कि तुमने हमारे साथ में हमारे खानदान पर हमारे अहिज़ा पर हमारे मानने वालों पर कितने जुल्म के पादल तोड़े हैं, पहाड़ों के पहाड़ तुमने तोड़ दिए हैं, वो हम याद करके तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं करना चाहते, उससे पहले तुम्हें माफ। ऐसी जात को नमूना बनाया, ऐसी जात को आइडियल बनाया, जरूर कुछ न कुछ बात है। अब अंदाजा लगाइए इससे मैं कहना यह चाह रहा कि इल्म की अहमियत, इल्म की जरूरत हमारी जिंदगी में, मैं तो समझता हूं कि खाने और पानी और जरूरियात जिंदगानी की तमाम सारी चीजों से ज्यादा अहम तालीम है। तालीम से लियाकत पैदा होती है, तालीम से दूर अंदेशी का जज्बा पैदा होता है, तालीम से आंखें खुलती हैं, ये आंखें नहीं जो सर में लगी है, ये तो हर चीज देखती है और हर चीज की ख्वाहिश करती है, वो आंख पर खुलती है जिसको बसीरत कहते हैं और जिसको बसीरत दे दी गई उसको सब कुछ मिलता है, जिससे चीजों की हकीकत खुलती है कि जिस चीज को हम देख रहे हैं आप तो हर चीज को पता, कोई गाड़ी देखा बहुत खूबसूरत जी में आता है ले ले, लेकिन बसीरत आपके आपकी दस्तगीरी करती है, आपकी रहनुमाई करती है, ऐसे नहीं, ऐसे तरीके से हमें लेना है जिस तरीके से जमाने के अंदर हमारी इज्जत के ऊपर हंसना, जमाने में हमारा नाम बदनाम ना होने पाए, जमाने में हमारी इज्जत डाउन ना होने पाए, अल्लाह की नजर में हमारी जो हैसियत है, हमारी जो अजमत है उसको उसको उसके अंदर चार चांद करें, ऐसे तरीके से वो तरीका हलाल है और एक तरीका हराम है। तो ये सारी चीजें तहजीब और सलीके के अंदर आती हैं। हराम जितनी चीजें हैं जो चीजें नजायज हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं सलीके के अंदर आती है, तहजीब के अंदर आती है, शऊर के अंदर आती है, सलीके के अंदर आती है, हमारे माशरे के अंदर आती है। कोई नहीं चाहता, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमारा मकसद और ये मजलिस ये महफिल जो ये अंजुमन जो सजी है आज इसका वाहिद मकसद वो मकसद है तालीम की अहमियत, और उस तालीम की अहमियत को मजबूत नजर रखते हुए हमने महसूस किया शिद्दत से कि मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुख्तलिफ तरीकों से तालीमी काम हो रहा है, लेकिन तालीम को जो उसूल और ज़ाब्ते से हटकर है वह हमें मंजूर नहीं। हम पहले अदब लेंगे, पहले तरीका लेंगे, पहले सलीका लेंगे, फिर तालीम लेंगे, बगैर सलीके के बगैर आदाब के तालीम भी तो जहालत है। तमाम सारे ऐसे लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया लेकिन तहजीब से और सलीके से और शऊर से नाबलद हैं, नावाकिफ हैं, अनजान हैं, जानते नहीं हैं, क्या उनको आप पढ़ाने का महसूस करेंगे? जिनकी ज़बान मुहज़्ज़ब नहीं, जिनके अख़लाक़ मुहज़्ज़ब नहीं, जिनके किरदार शाइस्ता नहीं है, वो कितने भी तालीम याफ्ता हो जाए कभी तालीम याफ्ता नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम
हमने ये महसूस किया कि एक दायरे के अंदर निजाम को मुंसलिक करते हुए वो तरीका अख्तियार किया जाए जिस तरीके के अंदर आदाब भी हो, तहजीब भी हो, शाइस्तगी भी हो और सलीका भी हो, शऊर भी हो और मजहबी हुदूद का की लिखा लिहाज हो। इन तमाम सारी चीजों को मजबूत नजर रखते हुए, ख्याल में लाते हुए इंग्लिश मीडियम का AIA एकेडमी हमने कायम किया है। इसके अंदर बहुत ही दूर अंदेशाना अंदाज से गौर फिक्र किया गया है। उसके बाद आपको मालूम है कि 30 साल से ये जामिया का इदारा चल रहा है जो मुख्तलिफ मराहिल के नशे व फराज के तमाम सारी बातों से गुजरता हुआ आज इस मकाम पर पहुंचा है और इससे जो फायदा पहुंचा है कौम को और मिल्लत को और दूर दराज इलाके को, इसको तो हर साल आम इतराफ करता ही है। अब हम इसी जामिया के अंदर AIA सोसाइटी के तहत एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्याम ला रहे हैं जिसके अंदर तमाम सारे उसूल जानते हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो हम उसके लिए साथ साथ में एक ऐसा निजाम लेकर के आए हैं, ऐसा तरीका लेकर के आए हैं कि आपको सुनकर के बड़ी फरहत होगी, मसरत होगी कि आपका बच्चा जब इंटर में आएगा तो हम अपने निजाम के तहत तालीम भी बनाएंगे। उसको पता चलेगा कि हमने जिंदगी गुजारने का आइडियल कहां से लेना है, किसके नक्शे कदम पर चल करके जिंदगी गुजारना है। ये हम उसको इसी दरमियान में देंगे मजबूत तरीके से। सबसे मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर रगबत की कोई चीज हो भी नहीं सकती। ऐसा निजाम और ऐसा सिलेबस, ऐसा निशाब लेकर के हम आए हैं जिसको आप देखेंगे तो उम्मीद नहीं, यकीन ये कामिल है कि आपको पसंद आएगा अगर निश्चित निजाम। अब बात हम ज्यादा आगे बढ़ाते हुए खत्म करते हुए हम अपने मकसद की तरफ लौट रहे हैं। सबसे पहले हर महफिल का एक सालार होता है, बगैर काफिले के सालार के महफिल की बेहैसियत होती है। लिहाजा हम सबसे पहले इस आला और अजीम मकसद के लिए इकदाम पेश करते हैं। उम्मीद है कि जरूर भी जरूर उसकी तारीफ करें। मैं इस अजीम मनसब के लिए और इस फासला के लिए जनाब अलहाज अख्तर शमसी साहब को नाम पेश करता हूं। उम्मीद नहीं, यकीन कामी है इसकी तारीफ। सब में मास्टरी और अरबी में भी फुल प्रोग्राम
हजारों की तादाद में होंगे कि बच्चे शरई हुदूद में अगर अपने खिलाफ और किरदार को संभालते हुए कामयाब जिंदगी की जमानत के साथ फारिग हो चुकी हैं। फिर जमाना एक जरूर महसूस हो रही है कि इस दौर में इंग्लिश मीडियम के नाम से जो स्कूल खुले हैं उन स्कूलों में कौम की बच्चियाँ खुले हुए मालूम पड़ती हैं। एक जमाने तक तालीम हासिल करने के बाद दीन गैरत और शरई लिहाज तौर पर मजहबी जज्बात मंजूर हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं और बेपरदगी हो जाती है। इस जरूरत को ख्याल रखते हुए स्टडी जिसके तहत जामिया सुल्तान और जे बी इंडिया कॉलेज है अपनी मंजिल आसमानों। मेरे भाइयों दोस्तों,
ये जब नए नजरिए के मुताबिक कोई कदम उठाया जाता है तो इंकलाब पैदा होता है, और जब तालीम आदमी हासिल करता है और तालीम के लिए सफर न करे तो उस तालीम के अंदर झिला नहीं आता, निखार नहीं आता। मैं जिस बात को बुलाना चाह रहा हूं, आप अंदाजा कीजिए कि तालीम के लिए हिंदुस्तान ही नहीं, सात समंदर पार का सफर मशहूर है, सात समंदर नहीं 14 तलब पार अमेरिका जा करके तालीम हासिल करते हैं। ये तो दुनिया की तालीम और दीनी तालीम, मैं उसकी तालीम बिल्कुल नहीं करूंगा। रुखे रोशन को देखकर आपको अंदाजा होगा कि दीन की अहमियत और की अजमत इस जात के अंदर, इस शख्सियत के अंदर किस कदर अजीम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा हुआ इंसान और पूरी शरई वदा फता के अंदर ये खुद ही जमान, ये खुद ही एक सनद है, दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन के अंदर भी लंबी लंबा मकाम और लंबी अजमत हासिल है। मेरी मुराद जनाब इजलाल शमसी साहब जो इस AIA सोसाइटी और AIA एकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं और इसके मूजिब भी हैं और इसको उभारने वाले भी हैं और इसको वजूद देने वाले भी हैं। इजलाल शमसी साहब तशरीफ लाएं और अपने जज्बात से लोगों को हमकिनार। जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो
उसे फौरन कुछ भी सोचा फौरन नीचे बैठे बन गए। मैंने बैठी बन पूरा मुझे आपको पता नहीं ग्रेजुएट नहीं है जो बच्ची नींद के आकार कर दी उस टाइम उसे पाप को याद नहीं था उसने फौरन भी बैठी है फौरन ऐसा करा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई ये कामयाब लगा और अच्छा लगा उसका अभी जिस लेवल की है उसके साथ ठीक ठाक मेरी भी बोल देती है और आगे आगे और ज्यादा खुशी छोटी बेटी को माशाल्लाह खाने की दुआ सजा दी तो एक दिन उसे बोली मुझे आपकी खाने को पड़ी फिर से कहना चाहूंगा।
अकलमंद दानिशमंद जब कुछ करने पे आते हैं, समंदर पार कर कोह से दरिया बहाते हैं। अकलमंदों की ही ये सिफत और सलाहियत होती है कि वो नामुमकिनात को मुमकिनात के अंदर तब्दील कर दें। मैं अब ऐसी शख्सियत को दावत सुखन देता हूं जो शायद शर्मीले मिजाज भी हैं और गैरत से आरास्ता भी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आकर के चंद कलिमा इस स्टेज पर आकर के कह दें, वही हमारे लिए काफी। बड़े ही अदब और बड़े ही लिहाज को मजबूत नजर रखते हुए मैं दावत देता हूं जनाब बिलाल शमसी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और चंद कलिमा सिर्फ एक मिनट अपने बात कह करके। शुक्रिया। सब बच्चों को क्वेश्चन सब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ईडैक क्या है, राइट, और इसको कैसे करेंगे हम,
सिर्फ जिन तीन चीजों पे फोकस चाहिए आपको। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, उन्होंने ये चीज बोली थी, ये बहुत कुछ लागू होती है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ साल पहले, कुछ समय पहले ये बोला था कि अगर हम मछली की काबिलियत ये जानने के पता करने की कोशिश करें कि वो पेड़ में कैसे चढ़ती है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक छोटा सा एक पिक्चर तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे जंगल में कुछ जानवर इकट्ठा हुए हैं और ये एक जज बैठे हुए हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सबसे कैपेबल है, और उनको एक टास्क मिला हुआ है जिसमें एक बंदर है, एक पेंगुइन है, एक हाथी है, एक मछली है, एक बकरी है, इनको बोल रहे हैं कि आप पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। तो बेसिकली आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ यू जज द फिश बाय द एबिलिटी ऑफ इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री, सो कहीं भी लागू नहीं होता, राइट। इसलिए इंडिया बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चेंज की। तो सर अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे एआई प्रोड्यूस हुआ, कैसे इसमें चेंजेस लेके आए। तो चेंजेस बहुत जरूरी है, हम सबकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं। तो चेंज इज बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ। आप जानते हैं इसको, फोन, स्मार्टफोन, राइट। कार, लेटेस्ट कार, राइट। एक
पांच मिनट का कार्टून फिल्म है, उस फिल्म को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है। बच्चा सिर्फ सुनेगा और
उसके क्वेश्चंस हैं, उस चीज को अगर कुछ ऐसा है जो चीज बताई जा रही है तो उसका यूज क्या है। अब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, फ्रैक्शंस हम सबको सिखाया जाता है या फैक्टर्स हम सबको सिखाया जाता है भाई, किसी भी नंबर को फैक्टर्स यानी टुकड़ों में बांटना वो फैक्टराइजेशन है। अब बताते समय फैक्टर्स क्या है, बच्चे हैं हम लोग भी करते थे, बच्चे भी करते हैं, लेकिन उसका रियल टाइम यूज क्या है, वो लाइफ में कहां यूज हो रहे हैं वो कोई नहीं बताता। एक बच्चा है क्लास सिक्स या सेवन में, वो लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ये तो बताओ कि लीनियर इक्वेशन में आप बहुत अच्छे हो तो आपका करियर किसमें है। एक सिंपल सा वीडियो गेम बन रहा है आजकल, वो लीनियर इक्वेशन में बन रहा है। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसको रियल लाइफ में एसोसिएट किया जाए। अब आप जिस तरह से बैठे हो ये हॉल के अंदर, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ फैक्टर्स है। बस के अंदर 20 बसों की लोगों की बैठने की जगह होती है, उसमें कैसे लोगों को बैठाना है वो फैक्टर्स ही होते हैं। एक अंडे की प्लेट में अंडे रखे हुए हैं वो कुछ नहीं है, वो फैक्टर्स ही है। दुकानों पर रखे हुए सामान पर शेल्फ है वो कुछ नहीं है, वो फैक्टर्स ही है। लेकिन हम बच्चों को सिर्फ फैक्टर्स बता देते हैं कि नंबर को तोड़ते हैं वो फैक्टर्स कहते हैं, लेकिन यूज नहीं बताते उसका, राइट। कोशिश वही है, फिर हम कहीं ना कहीं इस बात पर आ जाते हैं कि हमारे बच्चे जो है उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो बोलने चालने में अच्छे नहीं है, वो इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाते, राइट। बहुत पेरेंट्स का ये रहता है कि मेरे बच्चे इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाते। अब क्लासरूम के अंदर हम अगर ऐसा माहौल करेंगे जहाँ पे सिर्फ टीचर बोल रहा है और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं तो वो इंग्लिश कैसे बोलेगा? इंग्लिश वो तभी बोलेगा जब टीचर बोल रहा है और बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है जहाँ पे बच्चा हंसी खुशी खेलते खेलते चीजों को सीखे, समझे, रखना छोड़ के उसकी जड़ों पर जाए कि भाई अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हुआ, राइट। न्यूटन के लॉ है, न्यूटन के लॉ आपने पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं, लेकिन वो ऐसा है तो क्यों है? अगर हम वो समझा पाए बच्चों को कि ये चीज है तो उसका फायदा। तो ये करंट सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, जिसकी वजह से एक प्रोग्राम टाइप ईडैप की जरूरत है। तो एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं? तो सर ने बहुत अच्छी तरह से एसोसिएट किया था दीन और दुनिया में, बार बार सर ने बहुत अच्छी चीज सर बोलते हैं, कभी कभी मैं भी बात भूल जाता हूँ, कल सर ने बहुत अच्छा बोला था। तो दीन और दुनिया की अगर बात कर रहे हैं तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जो इस स्कूल का एम है वो है बेसिकली दीन और दुनिया दोनों के साथ एसोसिएट होना। बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही क्या बोलूं, तो इस तरह का मैंने बहुत कम देखा है जहां पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ रिलीजन को मिक्स करा जा रहा है। अगर ये हर जगह हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं, राइट। लेकिन जनरल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहूँ कि बच्चों को स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, तो क्वेश्चन आज का सिंपल सा आंसर आता है कि बच्चे सीखें, राइट। तो बच्चों को इसलिए भेजा जाता है कि हम कि बच्चे कुछ सीखें। तो अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो लर्निंग क्या है? हम बार बार बात करते हैं कि मेरा बच्चा नहीं लर्न कर रहा है, पर वो नहीं समझ पा रहा है, तो लर्निंग है क्या? तो आप बहुत ज्यादा इसमें टाइम दिए मत। तो बेसिक आइडिया है वही, मैं बार बार इसको लेके आ रहा हूँ, रोट लर्निंग को हटा के अगर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो लर्निंग कुछ नहीं है, लर्निंग वही होती है जब आप कोई चीज सीख लेते हैं उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। 5 रुपए की चीज है, आपने 10 रुपए दिए, 5 रुपए दुकानदार ने आपको वापस दिए और आपने करेक्ट 5 रुपए वापस दिए, तो आपकी लर्निंग है कि 10 से 5 गया 5 रुपए, और आप उसको हर बार करेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको लर्निंग कहते हैं। इससे हम एसोसिएट अगर करना चाहें तो आप ये देखिए कि आज ही दिन है 2030, 10 साल बाद, राइट। अगर मैं 2030 की बात कर रहा हूं तो कुछ सवाल है, वो सवाल ये है कि 2030 में आगे बताया था कि नए नए करियर्स अभी डेवलप हो रहे हैं, एक मोबाइल फोन आया उसने 3-4 करियर्स खत्म कर दिए, लेकिन 8-10 करियर नहीं बना दिए। तो कौन से करियर होंगे जो 2030 में टॉप में होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज होंगी जो सबसे ऊपर होंगी, लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी कौन सी होगी जो आ रही होगी, दुनिया में सबसे बड़ी फास्टेस्ट इकोनॉमी क्या कौन सी होगी, और सोसाइटी चैलेंज या सोसाइटी भी चेंज हो रही है हमारी, तो क्या सोसाइटी में और चेंजेस आएंगे। तो
ये आपको ध्यान रखना है 2030 को लेकर, राइट। और इस 2030 के हिसाब से अगर मैं बात करूं आज की, तो क्या वो बच्चा जो क्लास वन में जिसका आपने एडमिशन कराया है, वो जब आपसे 10 साल बाद जब क्लास तीन का बच्चा जब 10 साल बाद उसमें आएगा, तो वो आप सोच सके कि किस करियर में जाना है, क्या हमने उसको तैयार किया है 2030 के लिए या हम आज के लिए तैयार कर रहे हैं। सर, इंडियन स्कूल्स में अभी जो हालत है वो ये है कि क्लास फोर का बच्चा जब फाइव में चला जाता है, 2-3 महीने के बाद वो ये भूल जाता है कि उसने क्लास फोर में क्या किया, क्योंकि वो सिर्फ रट रहा है। और रटने में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले आपने रटा वो सबसे पहले निकल भी जाएगा। तो अगेन फोकस वही है कि कॉन्सेप्ट को समझो, राइट। अगेन 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल से क्वेश्चन है, राइट। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाए कि सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का, बोयंसी की डेफिनेशन क्या होती है, सिपॉय मुंडली का हुई थी हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट क्या है, तो इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है वो चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए कि एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर्स है, राइट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं कि इस रूम को पेंट करने के लिए कितना पेंट चाहिए होगा, एक लोहे के टुकड़े को पानी में कैसे फ्लोट करा सकते हैं, तो इन चीजों का जवाब देने के लिए आपको क्या चाहिए, तब सर वो आपने जो रटा है ना वो आपके काम नहीं आएगा, आपके काम वो आएगा जब आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझाया, राइट। अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको रटा हुआ है, तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले के साथ आपको ये भी पता है कि अगर इस पेंट कितना लगेगा ये मुझे पता करना है, तो वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे को अप्लाई होना चाहिए, तो फिर आप वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जो नॉर्मल जगह पर नहीं मिलता। तो हमारा फोकस इसमें है, नॉर्मल इंडिया में जो स्कूल है वो यहाँ पे है, वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि न्यूटन का पहला सिद्धांत बताओ, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत बताओ, बोयंसी क्या होती है ये बताओ, और कुछ स्कूल्स हैं जो यहाँ पे हैं जो आपसे पूछ रहे हैं कि न्यूटन का सिद्धांत तो हमें पता है, उसका एप्लीकेशन बताओ मेरे भाई। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो ये एकेडमी लाना चाह रही है, ये हम बच्चों को सिर्फ रटवाएं नहीं, हम उनको अप्लाई करवाएं चीजों को, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जो एजुकेशन आपने सीखी है उसका कहीं अप्लाई, उसका यूज तो हो, उसका यूज यहाँ होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये कैट 2014 का आया है, ये 2016 का क्वेश्चन है, ये भी 2016 का क्वेश्चन है, तो बेसिक फंडामेंटल यही है कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो बच्चे फेस करते हैं, रोज एग्जाम्स देने जाते हैं, वहां पे डिफरेंस यही होने लग गया है कि वो नहीं पूछते कि न्यूटन का सिद्धांत क्या है, वो ये पूछते हैं कि इसको अप्लाई करके दिखाओ कि आपको रियल लाइफ में उसको यूज करना आता है या आपने रट के लिया है, तो ये बेसिक फर्क है। तो 21st सेंचुरी में टॉमी वैगनर है, उसने बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना आता है, जरूरी यह है कि जितना आपको आता है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट मैटर्स मोस्ट इन द 21st सेंचुरी इज नॉट हाउ मच यू नो, बट व्हाट यू कैन एक्चुअली डू विद व्हाट यू नो। अब आपको अगर टीम का ही टेबल आता है सिर्फ, लेकिन आपको पता है उसका यूज कहां पे आप कर सकते हो, तो वही इंपॉर्टेंट है, 20 का टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। So, हम लोग यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो 3 चीजों पर फोकस करेंगे। नंबर 1, बच्चे की कॉन्सेप्ट की अपीयरिंग हो, जो कुछ वो सीखे वो चीजों के अंदर घुस के सीखे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड उसका करे, राइट, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करे, कि अगर मैंने कुछ स्कूल में सीखा है तो उसको मैं रियल लाइफ में अप्लाई करके देखूंगी हाँ ये सच है या नहीं है, राइट। और तीसरा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो हमारे बच्चे अक्सर मैथ्स के सवाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो 4 लाइन इंग्लिश में लिखी होती है क्वेश्चन में उसी को नहीं समझ पाते कि भैया इसका आंसर क्या है, ये बोला क्या गया, हम ढूंढते हैं फिर कीवर्ड्स की, अच्छा हाउ मच मतलब मैं ऐड करूं, ठीक है, इस तरह से हम उसको फिर कोरिलेट करते हैं। लेकिन अगर वो 4 लाइन जो मैथ्स के क्वेश्चन में है वो हम समझ जाए तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडिया हमारा थर्ड फोकस पॉइंट यह है कि कितनी अच्छी तरह से आप इंग्लिश समझ सको और उसको बोल सको, रियल लाइफ एप्लीकेशन।
सो हमारा फोकस क्या है एकेडमी में, किस चीज में होगा? नंबर वन कि बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, इंग्लिश बोलने में हिचके नहीं, मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाए, और फाइनली जो लास्ट है कि टेस्ट में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा करें, तो ये हमारा की फोकस रहेगा। सो आते हैं व्हाट इज इट राइट, मैंने बात कर लिया कि हम क्यों आ रहे हैं, क्यों एडमिशन एक्सपीरियंस में क्या प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये ईडा एक्चुअली में है क्या? सो ईडा की अगर बात करूं तो ईडा कुछ भी है, ईडीएससी जो है ये ईडीएससी सिर्फ चार वर्ड्स हैं जिनका हर लेटर का एक डिफरेंट मकसद है। तो आप लोग जब स्कूलों में पढ़ते थे आपको कुछ ऐसे टीचर्स जानते जिनकी क्लास में जब जाते थे आपको बहुत अच्छा लगता था, अरे बस सभी क्लास है मजा आएगा, चलो चलो क्लास में चलते हैं। कुछ याद है आपको ऐसे कुछ टीचर्स? कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे ना जिनकी क्लास में जब जाते थे क्यों आ गए नहीं? तो कॉन्सेप्ट है कि समझ लिया, सीख लिया,
रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया, अपना अगर खुद का कुछ करना चाहे, कुछ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड खुद का कुछ करना चाहे, अगर वो उसको कर लेते हैं तभी आपकी नॉलेज फ्री है। तो हम लास्ट में किसी भी चीज को फिनिश करते हैं ये बता के कि बेटा इस चीज को अगर आपने सीखा है तो एक प्रोजेक्ट बना के दिखाओ जिससे हमें पता लगे कि आपने रट्टा मारा है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो ये सिंपल सा ईडीएसी मेथड था जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता। तो एक सिंपल सा देखते हैं सर कि ईडा वे ऑफ टीचिंग क्या है, राइट। अब हमें फैक्टर्स को आना है बच्चों को, राइट। फैक्टर जैसे मैं आगे भी एक्सप्लेन कर रहा था, फैक्टर कुछ नहीं होता, किसी भी नंबर को प्रोग्राम में बांटना फैक्टर्स होता है, जिससे दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही है। जैसे 12 है, 12 फैक्टर विल बी 2 × 6, 4 × 2, ये फैक्टर हो जाते हैं। हमने स्कूल में कैसे सीखा, हमने स्कूल में कैसे सीखा, दो नंबर्स उसको ब्रेक करो, दो नंबर कौन कौन से नंबर से जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, वो फैक्टर्स है। अब हम अगर ईडा में इसको सीखना हो तो कैसे सीखेंगे, हम बच्चों को ग्रुप बनाएंगे, हर ग्रुप में 12 राजमा के दाने या कुछ भी अरहर के दाने या चने के दाने हम ऐसे कुछ दे देंगे उनको, राइट। हमें यहाँ पर 12 राजमा के दाने देंगे। अब उनको बोलेंगे कि 12 जो ये राजमा के दाने हैं इनको किन किन तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, एक ग्रुप में एक कर दिया 2 × 6, एक पे एक कर दिया 6 × 2, ऐसे ही जब आप देखोगे जब बच्चों को देंगे तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल के आपको बता देंगे कि हाँ राजमा के दानों को फैक्टराइज करना ये फैक्टराइजेशन है। तो बेसिकली जो अंडे की प्लेट का सिस्टम मैं बता रहा था या जो सीपी मैनेजमेंट में बता रहा था वो फैक्टर्स कैसे यूज करता है वो ऐसे यूज करता है। तो हमारा मेथड जो सीखने का होगा, हम हर चीज को छोटी छोटी चीजों को लेके बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे कि बेटा फैक्टर्स की डेफिनेशन तो ये रही लेकिन फैक्टराइजेशन ऐसे किया जाता है रियल लाइफ में। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। फाइनली द लास्ट पार्ट इज हाउ ईडा, तो ईडा कहीं पे भी कैसे चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रहेगा टीचर्स ट्रेनिंग। अब हम मुरादाबाद के छोटे से शहर में यहां पे हैं लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे पास जो टीचर्स अवेलेबल है हम उनको लेटेस्ट जो मार्केट जो चल रहा है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हम उनको वो प्रोवाइड करें। तो हमारी ट्रेनर्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे आएंगी और उनको ट्रेनिंग देंगी, जिससे एक ट्रेन तो एक सेशन तक यहाँ पे हो चुका है और ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे होते रहेंगे। उसके साथ साथ टीचर्स को लेसन प्लान मिलेंगे। सो लेसन प्लान क्या है, बेसिकली एक 40 मिनट्स का क्लास उसको किस तरह से हम बेस्ट बनाए सकते हैं, तो वो हम टीचर्स को देंगे। बुक्स होंगी, असेसमेंट शीट्स होंगी, तो बच्चों का टेस्ट भी लिया जाएगा तो उसी हिसाब से लिया जाएगा कि हाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होंगी और साथ में रेमेडिएशन कराया जाएगा कि अगर किसी बच्चे को कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो उसके दोबारा से क्लासेस देके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया वही है कि हम बेस्ट ऑफ द टीचिंग वर्ल्ड यहाँ पे लेके आए टू टीचर्स ट्रेनिंग। इस पर हमारे ट्रेनर्स कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते रहेंगे, लेसन प्लान देंगे, बुक्स देंगे, असेसमेंट्स कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, उनके स्किल्स को लेंगे और फिर एनालिटिकल रिपोर्ट्स यानी हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे और सबको बताएंगे और बाद में हम बच्चों का रेमेडिएशन करेंगे। यानी कि कोई बच्चा अगर आपको पता लगता है कि क्लास 5 में फैक्टर नहीं आता है तो उसको कैसे सिखा सकते हैं उसी बच्चे को, उसके ऊपर अलग से क्लास हो। सो दिस वाज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरा रिगार्डिंग व्हाट ईडैक विल बी डूइंग, कि हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम बच्चों को बेस्ट मेथड्स प्रोवाइड कराएंगे जिसको हम बोलते हैं प्लेवे मेथड यूज करके और लेटेस्ट जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको हम कंबाइन करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एआई में आएंगे अब आप बच्चों के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे तो आप देखोगे कि अभी कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, कि बच्चे जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जिस तरह से यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन चल रही होगी, वो आपको समझ में आएगी हाँ जो इंग्लिश बोलने की बात हो रही थी वो वास्तव में बोल रही है। थैंक यू सो मच। अब हम अपने यहाँ की मैं अपनी यहाँ के बच्चों को इनवाइट करूंगा कि वो आए और एक प्रोग्राम हमारे गेस्ट के लिए करें।
सुबह मैम प्लीज बच्चे को लेकर आइए।
जामिया जिम्मेदार हम को पूरी तरह समझने और उनके हैं उनको पहचानने का भरपूर मौका मिला है। और इस तरह मैं जामिया से जो फैज को हमको पहुँचा है इसका दिल से एतराफ़ करता हूँ और इतराब करता हूँ कि जामिया की और जामिया के मुख्तलिफ शोबों में दीनी वासी खिदमात को देखकर खुशी होती है। अगर जिम्मेदारा ने जामिया इस कदर तरक्की खुदा की खिदमत का जज्बा और अखलास ना होता तो ये अजीम दीन की खिदमत इतने लंबे अरसे तक रवाना ना होती और जामिया इतना मशहूर और मकबूल ना होता। मोहतरम सामईन मैंने बारहा मुशाहिदा किया है कि आए दिन ये मंजर मेरे सामने होता है कि हमारे कुछ उसूल किसी की अक्ल को कबूल नहीं करते तो मुखालफत करता है। लेकिन इस शख्स से कहा जाए कि भाई अपने भी अपने बच्चे को कई और तालीम दिलवा लो तो बर्दस्ता कहता है कि नहीं जनाब ये कैसे मुमकिन मुमकिन है हम लड़ेंगे और मुखालफत भी करेंगे मगर अपने बच्चे को जामिया के अलावा किसी दीगर जगह नहीं पा सकते। ये वजह है रफीबों का एतबार नहीं होता। जामिया सुल्तानात अपने खसूसी और इम्तियाजी शान की वजह से रफीबों के नज़दीक भी काबिल तारीफ और एतबार से और यही हमारी जामिया की शनाख्त और पहचान है। हम दुआ करते हैं कि ये परवरदिगार इस जामिया के फैज को आम से आम तर करे। मैं अपनी बात को यह कहते हुए खत्म करता हूँ। अभी तक जामिया में अपनी इंतजार इम्तियाजी शान के साथ दुरूद शरई और पर्दे का लिहाज करते हुए अलीफ से अल्लाह ताला, ताफ से कुरान करीम, रा से रसूल।
अल्लाह ताला ने कुरान करीम को रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल किया। यही से कुरान करीम की अहमियत भी साबित होती है कि हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी दें। यानी एक हाथ के अंदर कुरान करीम है तो दूसरे हाथ के अंदर साइंस भी हो, ये ना हो कि सिर्फ एक ही तालीम के अंदर हम लग जाए, दोनों तालीम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों ने इल्म वालों में से इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चीन का सफर करना हो। इससे इल्म की अहमियत साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को हासिल करने के लिए दूर दराज के सफर करने को भी कहा। कहीं भी जाना हो इल्म को हासिल करने के लिए, कहीं भी इल्म की खुशबू आ रही हो वहां पर तुम पहुंचो इल्म को हासिल करने के लिए। हदीस मुतलक है, इसके अंदर किसी एक चीज को बयान नहीं किया है। उस जमाने के अंदर चीन के अंदर वो इल्म दीन नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा दूसरे उलूम की तरफ भी है। अगर तुम इल्म दीन को हासिल कर रहे हो दूसरे उलूम को भी हासिल करो जिससे तुम गैरों के रब की बात को पहचान पहुंचा सकते हो। दारुल देवबंद के बाद ये हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान करीम को सीखूं, हदीस को सीखूं, इसके साथ साथ गैरों की अंग्रेजी को भी सीखूं ताकि मैं गैरों के अंदर उनकी जबान में अपनी बात को उन तक पहुंचा सकूं उनकी जबान के अंदर। और हम जिस नबी के उम्मती हैं अल्लाह ताला ने उन्हें मुअल्लिम बना करके दुनिया के अंदर महफूज फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं दुनिया के अंदर टीचर बना करके महफूज किया गया हूं। ये नहीं कहा कि मैं दुनिया में हाकिम बादशाह बना करके महफूज किया गया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जात जो है एक टीचर की है। हम उस नबी के जान मानने वाले, उस नबी के चाहने वाले हैं जिसे अल्लाह ताला ने टीचर बना करके दुनिया के अंदर महफूज फरमाया। इसलिए हम अपने बच्चों को इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी उलूम भी दें। हमारे सामने जिलाल भाई साहब सात समंदर से इल्म को हासिल करके आए और यहाँ पर उसी खुशबू को बिखेरना चाहते हैं, उसी खुशबू को फैलाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो दुनिया की तालीम के अंदर भी वो किसी से कम ना हो, किसी से मतलब के हल्का ना हो। उन्हें दोनों तालीम आनी चाहिए, दीनी तालीम भी दुनिया की तालीम भी। इसी अहमियत को सामने रखते हुए आज के प्रोग्राम है, हम आप तमाम अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल कराएं और यहाँ की जो मतलब के तालीम की अहमियत है, जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके सामने आएंगी। इसी बात में आप अपनी बात को खत्म करता हूँ। वो आप हजरत में आपके जज्बात की कदर करता हूँ और उसकी शनाख्त की कदर करता हूँ। आप हजरत की बेदागाना नजरें जिस शख्सियत के ऊपर जमी हुई हैं और आप मुंतजर हैं किसी तरीके से वो शख्सियत सामने आए और उनके जज्बात और उनके तमाम तर ख्यालात हमारी समाज से टकराएं, जिसके लिए आप बेकरार हैं। वो आप समझिए ये इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और वो शख्सियत आपके सामने अभी जलवा अफरोज होने वाली है। मेरी मुराद जनाब मेहमान खुसूसी आदि साहब उनसे दरखास्त है बड़े अदब और एहतराम के साथ में तशरीफ लाए और अपने जज्बात की अक्कासी करवाए। आमिर आदि साहब और जिस नस्बत से इनकी
तारा जिस तरह से हम लोग जुड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमको इस मुबारक निस्बत से जुड़ने की तौफीक दी। बात के शुरू में मैं एक बहुत अहम बात पे थोड़ा सा चाहूंगा कि हम मुतवज्जे हों, क्योंकि तो अरबी में लफ्ज पहल आइन से है और एक लफ्ज है शिल्म जो खास है। तो हमने अपने बुजुर्गों से बात समझी कि अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे अपने इल्म से इल्म अता फरमा और अपने हिल्म से हिल्म अता फरमा, क्योंकि जो लफ्ज इल्म है यानी नॉलेज वो मुख्तलिफ तरीकों से हमें मिल जाती है। आज लैपटॉप है, इंटरनेट है, किताबें हैं, लेक्चर्स हैं, मालूमात है, नॉलेज है, लेकिन जो लफ्ज हिल्म है वो है अंडरस्टैंडिंग, समझ। और असल ये है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमें इल्म अता फरमाए बल्कि उस इल्म की समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और बुजुर्ग दोस्तों और बहनों और बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी बातें अभी तक हमारे सामने आई हैं और हमारे सी टैक के जो साथी थे उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जो मौजू है उसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बातों को रखा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हु इज लर्निंग, व्हाट इज इंटेलिजेंस। अक्सर ये बात है कि मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, बट व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज हु इज अ लर्निंग पर्सन। CII एक इदारा है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो हिंदुस्तान की तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक उनका इदारा है, उनकी यूनियन जैसे हो गए जहाँ पे पॉलिसी और बड़ी बड़ी फिटिंग और प्लानिंग्स होती हैं। CII की रिसर्च में ये पाया गया कि हिंदुस्तान के आला तरीन कॉलेजेस के जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें तकरीबन 60% जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी कि बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते होंगे, उनके पास इंजीनियरिंग की, बीकॉम की, बीएड की डिग्री हो सकती है लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी कि उनके अंदर वो सिफात नहीं है जो एक आप अच्छे एम्प्लॉई में चाहते हैं। अमानतदारी, वक्त की कदर करना, इज्जत, मिल के काम करना, जज्बात पे काबू रखना, ये तमाम चीजें जिनको हम लाइफ स्किल्स भी कहते हैं या जीवन कौशल कहते हैं, ये एक क्राइसिस है न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में इंटरनेशनली। बात जो है, क्योंकि इदारा जो है वो न सिर्फ असली तालीम बल्कि दीनी तालीम और रिलीजियस एजुकेशन से ज्यादा मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी जो है उस पर फोकस रहता है, क्योंकि जब हम बात इस्लाम की करते हैं तो इस्लाम लफ्ज सलम से आया है, पीस से आया है। तो एक अच्छा मुसलमान एक अच्छा नागरिक होगा, एक अच्छा मुसलमान एक अच्छा सिटीजन होगा, और वो न सिर्फ अपने कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, बल्कि अपने शहर, अपने सूबे, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए खैर का सबब होगा। तो आप जानते हैं हमारे मुल्क में आज बहुत सारी जो है वो माइनॉरिटीज को लेके, मुस्लिम्स को लेके धारणाएं हैं कि बहुत बैकवर्डनेस है। सच्चा कमेटी रिपोर्ट आई, तमाम चीजें आई, और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं स्कूल्स में मदरसों से लेके मिनिस्ट्रीज तक एजुकेशन के ऊपर चर्चाओं में जाता हूँ। तो एक दफा सन 2011-12 की बात है जब नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन का सालाना क्लास होता है दिल्ली में विज्ञान भवन में, वहाँ पे मैं गया और उससे पहले एक साल पहले कुछ ज्यादतियाँ हुई थी जहाँ पे पुलिस ने बैठक की थी तीन शहरों में, तीन सूबों में, उसमें एक इलाहाबाद का इलाका भी था। तो उस साल जो नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन का जो थीम था वो था पुलिस एंड माइनॉरिटीज,
और वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े पुलिस महकमे के लोग थे, सेक्रेटरीज थे, जूलियो रिवेरो बहुत मशहूर और बहुत काबिल और इज्जतदार पुलिस ऑफिसर रहे हैं बॉम्बे में, वो उनका कीनोट एड्रेस था। तो वहाँ पे हम चाय कॉफ़ी के ब्रेक में बात कर रहे थे और एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उनसे गुफ्तगू बोली थी हम, तारुफ जैसे बोलता है बता रहे थे कि हम एजुकेशन में काम करते हैं और मेवाड़ में भी हमारा काम है, तो मेवाड़ दिल्ली के करीब एक इलाका है शायद आप लोग जानते हो, तो वहाँ पे पसमानगी है, तालीमी मियारी इक्तसादी हालात जो इकनॉमिक और एजुकेशनल हालात हैं थोड़े से इस वक्त बिगड़े हुए हैं। तो साहब ने बड़ी हिफाजत से कहा ऑल मेवोज आर क्रिमिनल्स, सारे मेवो जो है वो क्रिमिनल होते हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगा, हमने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला सर डू यू एक्चुअली मीन टू से दैट ऑल मेवोज आर क्रिमिनल्स, सम आर क्रिमिनल्स, मोस्ट आर क्रिमिनल्स और सम आर क्रिमिनल्स। तो शायद वो क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जी बुजुर्ग जी 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 कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो चैलेंज करेगा, तो नहीं नो आई मीन टू से दैट, फिर कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, छोटा सा वक्फा था, बात खत्म हो गई, फिर वापस प्रोग्राम शुरू हो गया। जब हमारी बारी आई बोलने की स्टेज पे आके, तो अल्लाह ने हमारे दिल पे बात डाली, हमने बोला कि देखिए हम अगर सभ्यता की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में ठीक है मेवात की लिटरेसी रेट थोड़ा सा खराब है और चैलेंजेस हैं वो लंबी बात है, लेकिन जो जनगणना होती है जो सर्वे होता है, सबसे ज़्यादा जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जो बच्चियों को हमल में खत्म कर दिया जाता है, वो हिंदुस्तान में हरियाणा सूबे में होता है और छज्जर रोहतक कुछ इलाके हैं जहाँ पे उस जमाने में सीएम रोहतक के थे रूलर, और साउथ दिल्ली जो है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो साउथ दिल्ली है। सबसे कम न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो होता है मेवात में, यानी कि मेल टू फीमेल रेशियो जो है सबसे अच्छा पूरे हिंदुस्तान में आप, और ये मैं बोल रहा हूँ आप गूगल करें स्टैटिस्टिक्स हैं वो मेवात में है। तो व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज एजुकेशन, जस्ट स्पीकिंग गुड इंग्लिश, सूट पहन लिया, इससे तो अच्छे वो पकड़ लाने वाले लोग हैं, वो घूंघट वाली औरतें हैं जो अपने बच्चियों को हलाक तो नहीं करते, उनको बराबरी का हिस्सा देते हैं, उनकी तालीम तरबियत पर पूरा काम करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये इदारा माशाल्लाह मम्मी की फिक्र थी और जैसे इलाज़ ने बताया पूरी माशाल्लाह बच्चियों को लेके पूरा काम हुआ और बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल है और आगे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अल्लाह उसको ले जाए। तो मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि जो एजुकेशन है और जो 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 बेल है, ठीक है, असल चीज ये है कि इंसान को एक अच्छा इंसान बनाए। अब यहाँ पे ये बोर्ड कोई लिख गया है तो नहीं, मैं आपके सामने कुछ नाम बताऊंगा, आपको कई लोग कई नाम आपने इसमें सुने होंगे और शायद कुछ आपके लिए नाम नए हों, तो इसमें नाम जैसे आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर जो कि मशहूर हैं क्रिकेटर हैं आप सब जानते हैं, थोड़ा सा आगे नहीं आता प्लेस में ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शकुंतला देवी बहुत बड़ी मैथमेटिशियन माना जाता है, उनको ह्यूमन कंप्यूटर का लकब दिया गया था और जबरदस्त मैथमेटिशियन है, साल पहले उनका इंतकाल हो गया। सचिन तेंदुलकर, ए आर रहमान, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय लेखिका है बहुत मशहूर, उनको जो बहुत बड़ा इनाम होता है राइटर्स का वो मिला है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, कोई जानता है हफीज कॉन्ट्रैक्टर, किसी ने सुना है ना? जी जी, तो तबरेज थोड़ा सा ये टॉफीज जो आंसर करेगा मेरे क्वेश्चंस को उसको टॉफीज देंगे, इसलिए थोड़ा सा इंसेंटिव है कि आप पार्टिसिपेट करें। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक आर्किटेक्ट है। एपीजे अब्दुल कलाम, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यू ऑल नो, वो तो सबको बांटनी पड़ेगी। मदर टेरेसा, ये सोशल वर्कर,
मदर टेरेसा सोशल वर्कर, एक बहुत नेक इंसान। तो गरज ये कि ये कुछ नाम है यहाँ है बस वो जिन्होंने जवाब दिया था वो सारा मिल गया बात तो सबको मिल जाएगी क्योंकि वरना बचे भी हैं पीछे। तो अब मेरा सवाल ये कि सात लोगों में आप शकुंतला देवी जानते हैं, मैथमेटिशियन सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर सब जानते हैं, एआर रहमान म्यूजिशियन, अरुंधति रॉय हफीज कॉन्ट्रैक्टर, अबुल कलाम साहब, मदर टेरेसा, अगर मैं ये कहूँ कि इन सातों में ठीक है और बिल्कुल तपाक से जवाब दीजिएगा कि इन सातों में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जहीन इंटेलिजेंट कौन है, इन सात लोगों में आपके हिसाब से कौन है? शकुंतला देवी, एपीजे अब्दुल कलाम, और कोई जी कलाम, ओके अच्छा एपीजे अब्दुल कलाम को अभी ब्लॉक कर देते हैं, उनके अलावा कोई नाम जो किसी को लगता हो और क्राउड के प्रेशर में ना आए, अपने अपने दिल से बोले मदर टेरेसा। अर्ज करूंगा कि हमारी बहनों में भी पीछे इसको चर्चा करें और कोई भी फैसिलिटेट करें और उनसे भी पूछे कि उनका क्या ख्याल है। मदर टेरेसा क्वेश्चन था इंटेलिजेंट, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट शकुंतला देवी आउट ऑफ दीस पीपल, आई सी शकुंतला देवी मदर टेरेसा फील्ड्स देयर इंटेलिजेंट बट वी विल कम टू दैट सर, वी विल कम टू दैट। बट अगर एक नाम लेना है तो बहुत सारे लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का साथ का नाम लिया, उसने मदर टेरेसा का नाम लिया, सिद्धार्थ भाई ने शकुंतला देवी का नाम लिया, मैथमेटिशियन राइट। तो आपने शकुंतला देवी का जवाब के नाम क्यों लिया? Because of her calculations and her speed of mathematics. Speed of mathematics, human computer. और एपीजे अब्दुल कलाम कहा था क्या क्या दलील है? He was a scientist. Scientist, okay. Some people say president and scientist, right? Mother Teresa किस कुछ लोगों ने कहा था आपने कहा था जी? उन्हें दुनिया में इंसानियत और के बारे में लोगों को बताया कि इंसानियत क्या चीज है और उसमें तो दुनिया में इंसानियत थोड़ी कुछ नहीं है। सही, तो जाहिर है कि नजरियात हैं, ठीक है। दरअसल यहाँ पे जो जो बात मैं आ रहा हूँ और जैसा कि ये हुआ कि मैथमेटिक्स जो है उसके ऊपर अक्सर और जो रियलिटी है कि अगर बच्चा जो है वो मैथ्स में जो है वो कमजोर जा रहा है तो बिल्कुल तोते उठ जाते हैं, अरे क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, और मैथ्स में 80% आ रहे, हिंदी अंग्रेजी में है कोई मैथ्स बड़ा इंटेलिजेंट है, एकेडमिक्स में रिपोर्ट कार्ड आया 60% 50%, अरे गधे पढ़ा नहीं, हाँ जबकि वो हर रेस जीतता होगा, कुछ नहीं पढ़ो ये खेल कूद ही काम आएगा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा जी, हो रहा है जी। तो यहाँ पे जो मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे दोस्तों ने कुछ यहाँ पे कार्टून्स भी दिखाए थे, वो मूवी भी दिखाई थी, वीडियो दिखाया था, तो उसकी जो फलसफा है दिस इज द बिग रॉक, जैसे इमारत बनती है तो बड़ा पत्थर पहले रखा जाता है, वो है इसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये पहले सुना है? Raise your hand, okay? MashaAllah. At least 4-5 people have heard of this. तो ये Howard Gardner एक educationist हैं Harvard University अमेरिका में और इसको उन्होंने mid-80s में as a theory present किया। दरअसल ये सब हम सब और हमारे सारे बच्चे intelligent हैं। एक एक बच्चा जो है वो intelligent है और अदब के साथ मैं ये बात कहूंगा, अगर किसी बच्चे को हम गधा या बेवकूफ कह रहे हैं तो नौजुबिल्लाह अल्लाह की शान में मुस्ताफी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मैथ्स अच्छा नहीं है तो यकीनन वो किसी
किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट में अल्लाह ने उसको कुछ जो है वो करामत दी होगी। ये तमाम चीजें, ये तमाम इंटरेस्ट ट्रेनिंग कोचिंग ना मिले तो सचिन नहीं बने, राइट। तो कुछ तो इनहेरिट होता है और कुछ सरकमस्टेंसेस से होता है, और ये भी स्टैटिक नहीं रहता, ऊपर नीचे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम यहाँ पे तालीमी इदारे में तालीम के मौजू पे जुड़े हैं, और ये बात हमारे भाई ने मिसाल दी थी जो पुराने और नए क्लासेस दिखाए थे, क्योंकि हमारा देश तकरीबन 150 साल गुलाम रहा, और वो जो गुलामी का वक्त था जिस वक्त यूरोप में इंग्लैंड में बहुत इन्वेंशन हो रहे थे, तो उनकी जो पेडागॉजी थी, जो उनकी शिक्षा पद्धति थी, और हमारे यहाँ जो थी जो गुलाम जो देश थे कॉलोनियल, वो बिल्कुल अलग थी। हमारे यहाँ था रटन विद्या थी और फैक्ट्री मॉडल पे अपने यहाँ उनके यहाँ इनोवेशन डिस्कशन एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली देश आजाद होने में 70 साल हो गए, लेकिन हम अभी भी वहीं अटके हुए हैं। माशाल्लाह बहुत मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा और ऐसे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अब इन बातों को समझ रहे हैं। और यहाँ पे वक्त कम है, लेकिन मैं यहाँ पे बस मेंशन करता चलूँ, क्योंकि टीचर्स भी हैं और ये बात को कि ये जो है इसको कहते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी मैथ्स स्मार्ट। सचिन तेंदुलकर का जो आती है ये है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस या बॉडी स्मार्ट, तो आसान भाषा में बॉडी स्मार्ट। ए आर रहमान आ जाता है, क्या हो सकता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है म्यूजिकल इंटेलिजेंस ये इसी का नाम है। अरुंधति रॉय राइटर जर्नलिस्ट लिंग्विस्टिक वर्ड स्मार्ट है, वर्ड स्मार्ट है, वर्ड स्मार्ट। हफीज पंड राइटर क्रिएटिव स्पेशियल स्पेसेस जो है जो जो कि खाली मैदान पड़ा हुआ है उसमें इमेजिन करते हैं, या बहुत अच्छे जो ड्राइवर्स होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नॉट एकदम सॉफ्ट पे बात कराते हैं, और कुछ होते हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, तो ये इनहेरिट है उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस है, जो बहुत तेज अच्छा चला लेते हैं, रैली ड्राइवर्स होते हैं इनके अंदर वो चीज इन्वॉल्व होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। और ये जो दो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात हुई थी, साइंटिस्ट भी थे डेफिनेटली लीडर थे, लेकिन बच्चों में बच्चा बन जाते थे, आपने उनके लेक्चर्स देखे हों कि बिल्कुल स्टूडेंट्स में जाएंगे तो उनके बीच में बैठ जाएंगे, स्टेट्समैन के साथ होंगे, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कहते हैं पीपल स्मार्ट, जो हमारे टीचर्स हैं या लोग जो पब्लिक डीलिंग करते हैं कहते हैं इंटेलिजेंस बहुत इंवॉल्व होती है, विच इज इंटरपर्सनल और पीपल स्मार्ट, पीपल स्मार्ट। और आखिरी जो आता है मदर टेरेसा का, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल, इंटर और इंट्रा में सिर्फ एक अल्फाबेट का है, इंट्रा यानी सेल्फ। कुछ लोग हमारे जो उलमाए दीन होते हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं जो कि इंसान की फलसफी जो फिलॉसफी या डीप अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी ये चीज़ें उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये जो समाज सेवक होते हैं ये सेल्फ स्मार्ट या इंट्रापर्सनल। और ये चीज जो है वो इवॉल्व हो रही है, राइट। ये साथ ही अब इकोलॉजी की हम बात करें, अभी जाहिर है कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फिर बाकी बातें खत्म हो गई, तो इकोलॉजी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है ये सब चीजें इवॉल्व हो रही हैं। और आज जो आप लोग यहाँ पे खासतौर से जो हमारे पेरेंट्स हैं, और चाहे उस स्कूल के पेरेंट्स हो लेकिन पेरेंट्स तो माशाल्लाह अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों को इनक्रेज करें। और ये इदारा बहुत मुबारक है कि इस इलाके में अलहमदुल्ला ये चीज़ की। और एक और बात जो है कि हमारे मुल्क में एक तरफ DPS श्रीराम बड़े बड़े स्कूल्स हैं, यहाँ पे महंगे स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे देश के मुश्किल से 5% बच्चे भी नहीं जाते, जो हमारे देश के 70-80% बच्चे जहाँ जाते हैं लो कॉस्ट मीडियम स्कूल्स में, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे वही छड़ी चल रही है, वही रटन विद्या चल रही है, चौक एंड टॉक। तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ इजलान भाई और आप बुजुर्गों ने इस चीज़ की फिक्र करी कि ये इदारा जहाँ पे गरीब तबका के
درمیانی طبقات کے بچے بچیاں آتے ہیں اور وہاں کے اوپر آپ وہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ جو کہ وقت کا تقاضا ہے. اب نیکسٹ اور جو امپورٹنٹ ایک بہت ایریا ہے اس میں کچھ میرے کیونکہ میں اس بات کا خیال رکھے انٹریکٹو ہو بات کچھ چار پانچ کوشچنس ہیں. اب آپ کافی پارٹنر بھی تیار ہو رہے ہیں. پہلا کوشچن ہے جہاز کی ایجاد کس نے کی, ہوائی جہاز کی ایجاد کس نے کی, ہو انوینٹڈ دی ایروپلین, ریز یور ہینڈ جی یا بتائیے. رائٹ برادرز, رائٹ برادرز, اوکے یہاں پہ سب سے پہلے آتا ہے رائٹ برادرز, رائٹ برادرز. کوئی اور جواب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, رائٹ برادرز کے علاوہ کوئی اور میں بتاؤں. ہمارا ڈسکشن ہوا ہے کل چیٹنگ چیک
चेक कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, किस देश में या किस समाज में चेक सबसे पहले इस्तेमाल हुआ जी, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल कुछ भी बोले, कोई भी देश का नाम लेते हैं अंदाजन। यूएसए, ब्रिटेन, यूएसए, ब्रिटेन, अमेरिका, अमेरिका, और कोई ये बिल्कुल पहली दफा सुना है, ज्यादातर यूएस ब्रिटेन तो आता है, और कोई चेक से राइट बता ना, चेक से अच्छा चेक से ओके चेक जवाब पे आ जाए। ठीक है, क्लाइमेक्स खत्म कर लें। ओ एरोप्लेन जी, लग रहे अरे बताएं इब्ने फरनास। ठीक है, राइट ब्रदर्स इज राइट, और राइट ब्रदर्स जहाँ पैदा हुए थे राइट स्टेट डेटन ओहायो में अमेरिका में, मैं गया वो जहाज भी देखा मैंने, उन्होंने बनाया था। उनसे तकरीबन 800-900 साल पहले इब्ने फरनास एक साइंटिस्ट थे, आलिम थे, बहुत सही इंसान थे, जिन्होंने 65 साल की उम्र में सबसे पहले कोई इंसान काफी दूरी तक उड़ पाया था। इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड फ्लाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अब्बास इब्ने फरनास। और यहाँ पे ये बात मैं मनगढ़ंत किया, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं बात को कोट कर रहा हूँ, एक वेबसाइट है 101-1001inventions.com, इसको आप गूगल करिएगा। अमेरिका में स्मिथसोनियन एक बहुत बड़ा इदारा है, म्यूजियम है, उन्होंने एग्जीबिशन की थी, किताब छपी थी, और उसके बाद ये है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी। तो एरोप्लेन जो जिसको हम ग्लाइडर कहते हैं, कंबस्शन इंजन वगैरह सब 1900 के बाद हुआ था, लेकिन पहली सक्सेसफुल फ्लाइट एज अ ग्लाइडर वाज बाय इब्ने फरनास। मुझे लगता सारे ये नेम्स हैं मुसलमान होने वाले, देखते हैं थोड़ा सा सस्पेंस बाकी रखते हैं। आपको दो टॉफी मिले, एजुकेशन मिनिस्टर माशाल्लाह मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने मौलाना को अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप में भी और देखते हैं कि मौलाना को या एक दाढ़ी टोपी वाले को एक अलग निगाह से देखा जाता है, जबकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त बड़े काबिल लोग थे, और आज़ाद हिंदुस्तान उस वक्त आज के जैसे पॉलिटिशियन और मिनिस्टर ही थे, बड़े नेक और अच्छे लोग थे, राधाकृष्णन जी थे, अम्बेडकर जी थे। आज़ाद हिंदुस्तान की पहली तालीम की जिम्मेदारी जो थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दी गई, तो इसको हमें जहन में रखना चाहिए। तीसरा जो है लेडी चीफ जस्टिस, जस्टिस फातिमा बीबी के एक नाम से आया था, इसने दिया था, एक दफा ताली करें। अच्छा दो अच्छा जबरदस्त, फातिमा बीबी अभी हयात है, केरला की है, एक दफा मिला, बहुत ही सादा मिजाज लेडी है, और अपने इलाके में सोशल वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, अंटार्कटिका, यहाँ पे अलीगढ़ वाला नहीं हुए, अली एडीयू से पढ़ा हुआ जी, नहीं है कोई इस मंच में, अच्छा आप हैं, तो फिर आपकी टॉपिक वापस लेनी चाहिए क्योंकि बीइंग अली का आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सैयद ज़हूर उल हसन साहब, डॉक्टर ज़हूर हसन साहब जी, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक तराना है, आप गूगल करिएगा, और बहुत खूबसूरत तराना है, ओरिजिनल पुराना वाला, उसके ऊपर एक वीडियो बनी है जिसके कुछ इस तरह से ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, और काफी खूबसूरत उसके अशआर हैं। आखिर में ये आता है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा, यानी अब्र किस चीज का है, तालीमी इदारे से किस चीज का, जो कि
एक अलीम होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत फख्र की बात है। वो ऐसा मोमेंट है जैसा चांद के ऊपर जो आइकॉनिक फोटोज होती है पहली एवरेस्ट और इसे और इदारे मदारिस में
स्कूलों में या हम अपनी इंफ्रादी जिंदगी में जो करें तो वी हैव टू सी द ग्लास हाफ फुल नॉट द ग्लास हाफ एम्प्टी एंड इंशाल्लाह वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड मूव उस राह पे जो कि हमें अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम जो है इल्म लेने के लिए चाइना भी जाना हो जो भी अच्छी चीजें हैं वो हम उसको इख्तियार करें कोई भी चीज हमारे मगर हम यहाँ बैठे हैं मुफ्ती साहब हैं कि अब ये फोन है इससे आप बहुत आज आपको दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च आपको बिल्कुल घर बैठे जेल में आपके हैं लेकिन इससे आप बुराई नहीं देख सकते हैं कर सकते हैं तो चीज अपने आप में शर खराब या अच्छी नहीं होती उसका इस्तेमाल उसे अच्छा बुरा बनाता है अल्लाह ताला हमको नेक राह पे और अपने इल्म का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और मैं आखिर में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे बुजुर्गों को और हमारे साथियों को अल्लाह ताला इस अदारे को कायम और दायम रखे मैं खुद अलीगढ़ मेरा वतन है मैं गुड़गांव में रहता हूँ और एक इदारा है तरक्की आई फाउंडेशन जो इस मौजू पे काम कर रहा है कि गरीब तबकात में क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करें उसमें हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं करिकुलम में काम करते हैं और मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट MFERD जहाँ की कॉन्फ्रेंस में कुछ महीनों पहले हमारी इजाद भाई से मुलाकात हुई इसमें तकरीबन 3,500 स्कूल्स और मदरसे पूरे मुल्क के जुड़े हुए हैं जो इस मौजू पे काम कर रहे हैं चेन्नई बैंगलोर कश्मीर और इंशाल्लाह अगले साल दिसंबर में बेलगाम में कॉन्फ्रेंस होगी इजाद भाई आ चुके हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप में बहुत सारे लोग आएंगे मकसद यही है कि हम लोग एक फिक्र हों और इज्तमाही तौर पे क्योंकि अल्लाह ताला को इज्तमाही पसंद है हमारा तबादले ख्याल हो हम एक दूसरे को इंकरेज करें और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी बस मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा एक बहुत अच्छा इदारा आपसे यहाँ बहुत करीब है फुलत मौलाना करीम सिद्दीकी साहब से आप मुतारफ हैं उनकी खानगाह के बराबर में विजन इंटरनेशनल अकेडमी जहाँ से मैं कल आया हूँ और उसकी काम को हम जो है उस कोशिश करें आगे डेवलप करें जहाँ पे 12 से 14 साल के हाफिज बच्चों को हुफाज बच्चों को 5 साल के लिए इंग्लिश मीडियम से 12वीं की तैयारी कराई जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट IIT क्लैट आर्किटेक्चर वगैरह की तैयारी भी होती है रेजिडेंशियल 5 acre कैंपस में है और कहीं पे जो विजन है और ये सब चीज़ें जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात हुई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की स्पोर्ट्स वगैरह तमाम चीज़ों को लेते हुए कि किरदार निकले हमारे बच्चे जब माशरे में जाएं तो वो अपने आइडेंटिटी के साथ अपने अच्छे उसूलों के साथ दायाना सिफत के साथ टॉप कैरियर्स में एक्सेल करें और अपने कौम के अपने देश की और पूरे इंसानियत के लिए खैर के काम करें जज़ाकअल्लाह खैर लेकिन मुफीद बात आने के बाद फायदा जब होगा जब उनको सुनकर यहाँ स्टोर किया जाएगा स्टोर करने के बाद उन पर एक्शन भी किया जाएगा वरना जैसे बहुत सारे हम स्पीचेस बयान सुनते हैं अलग अलग चाहे कोई भी आदमी हो किसी भी तरह की स्पीच सुनता है किसी भी तरह की कोई बातचीत सुनता है और सुनकर वो यहाँ थोड़ी देर के लिए उसका दिल गर्म हो जाता है और घर जाके सब भूल जाता है कोई भी चीज़ आप देख लीजिए वो कामयाबी में जब तक नहीं पहुंचती जब तक कि हम उसे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाए तो आज हम यहाँ से जो जाएंगे इस मकसद को लेके जाएंगे कि जितनी बातें हमने देखी तालीम की अहमियत और तालीम के बारे में सोचना समझना ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और साथ साथ ये पैगाम कई लोगों तक पहुँचाना है तभी हम एक सच्चे मुसलमान सच्चे देशवासी सच्चे इंसान बने तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और आखिरी की तरफ ले जाते हुए क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं हमें हिंदुस्तानी होना हमारे लिए बड़े फख्र की बात है तो अब मैं हमारे एक दोस्त को बुलाऊंगा और हम दोनों मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे नेशनल एंथम जिसको कहते हैं तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े हो जाए ब्रजेश चौहान स्टेज पर आए सारे लोग जितने जो लोग यहाँ मौजूद हैं मर्दों हजरात और औरत औरत लोग सबको खड़े हो गए पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
और हमारी लेडीज ऑफिस में से मिसेज हिदायत जहान, मिस हमीदा, मिस अलवीना, मिस सुगोई एंड ऑल एआईए टीम मेंबर्स जिन्होंने हमारी हेल्प की और इस प्रोग्राम को प्रोग्राम बनने में हमारा साथ दिया। तो आप सब लोग भी हमारे काम कैसे आएंगे, इन लोगों ने तो हेल्प करके एक इवेंट प्लान करा दिया और बिल्डिंग बना दी और ब्यूटीफाई कर दिया, लेकिन आप लोग हमारे काम ऐसे आएंगे कि इस बिल्डिंग को भर के आप हमारे मदद करेंगे। तो आप हमारी मदद ऐसे करें कि देखिए कोई भी क्लास, कोई भी बिल्डिंग जब तक क्लास नहीं कराती जब तक शेड्यूल स्टूडेंट्स नहीं होंगे, खाली बिल्डिंग खाली क्लासेस ये सिर्फ बिल्डिंग कहलाती है, लेकिन जब उसके अंदर बच्चे आ जाते हैं तो कोई क्लास स्कूल कैसे कहते हैं, जब उसके अंदर कई से बच्चे पढ़ने लगे, कई बच्चे पढ़ने लगे तब उसे स्कूल कहते हैं। तो आप हमारे इस मिशन में हमें कामयाबी दें और हमारा साथ दें। कुछ बातें हमारे भाई करना चाहते हैं जो रह गई थी मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। थोड़ी छोटी सी बात हमारे अमरीश ने याद दिलाया कि कल मैंने उनसे एक बात कही थी, मुझे भी याद नहीं आ रही लेकिन याद आ रहा है। तो मैं आप सबको इंकरेज करना चाहूँगा अपने बच्चों को, बच्चियों को एजुकेशन दें। क्यों? एजुकेशन से इंडिपेंडेंस आता है और इंडिपेंडेंस से कॉन्फिडेंस आता है, ये मैं आपको कल बोल रहा था। तो एजुकेशन, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस। अब बात आती है कि जरूर डॉक्टर बनाए, जरूर लॉयर इंजीनियर सब बनाए, लेकिन एक चीज आए करते हैं, जन्नती डॉक्टर बनाए, जन्नती इंजीनियर बनाए, जन्नती लॉयर बनाए, ये हमारा मकसद है। और मैं इसीलिए छोटी सी बात से खत्म करता हूँ अपनी बात और इंशाल्लाह मेरे भाई आपको बाकी प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। मैं अवेलेबल हूँ, कोई आपको एडमिशन के बारे में कोई सवाल कर रहा हूँ, पूरी टीम अवेलेबल है और यहाँ पे आप प्लीज फैसिलिटी देखिए, सवाल करिए जो भी है। अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट होगा, उससे पहले बहुत सारी स्कीम्स भी हैं और जैसे मेरे वालिद साहब ने कहा था फाइनेंशियल ताउन की अगर जरूरत है तो उसमें भी सिस्टम बना रखा है, जो हमारे कमजोर भाई हैं उनको जैसे जरूरत है पूरा सिस्टम है। लेकिन यही वाली बात है कि हम वो जो चैरिटी वाला होगा मॉडल जिसमें बिल्कुल सब कुछ फ्री होता है, क्योंकि फ्री चीज की खदर नहीं होती, चाहे चवन की अपनी जेब से लगता है ना। हमारे मुफ्ती साहब ने एक लतीफा सुनाया था, एक बार एक आदमी अपना 300 रुपए का जूता 20 रुपए का जूता है 300 रुपए महंगे रुमाल से साफ करता था, तो ये तेरा दिमाग खराब है, ये रेशमी रुमाल से जो 20 रुपए का जूता साफ करा, बोला असल में ये रुमाल तो तोहफे में आया था और जूता मेरे अपने पास है। तो आप मेरे कई बार
अमल न करने वाले के लिए पूरे दास्तान की दास्तान सुना दो, नहीं करने वाला होगा इसका असर का उसका निकाल दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, एक बाप अपने बेटे को वरासत में अगर हुकूमत देता है और उसी के मुकाबले में एक बाप अपनी वरासत में बेटे को इल्म देता है, मैं समझता नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आखिरों का यह फैसला है कि ये जो हुकूमत दे रहा है इसके मुकाबले जो इल्म से नवाजता है वो हजार गुने अफजल और बेहतर। दूसरी चीज, अरस्तु हकीम, उसका मुकाबला एक ऐसे आदमी से हुआ जो बादशाह, बादशाह ने आदमी अरस्तु के पैर मार दिया कि बेवकूफ फायदे बैठता है मेरा, तो मैं तुम कौन हो, दुनिया जानती है ताज शाही मेरे हाथ में है और शाही शरी मेरे हाथ में और ये हशम दशम ये फौज है, ये तबर है, ये नकारे हैं, ये फौज है, ये हाथी है, ये घोड़े हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, सब चीजें पता नहीं चला बादशाह। तो बात ये घर सुनने का मैं कोई दास्तान नहीं सुना, उसने कहा कि ये ताज जो है बहुत खूबसूरत है, अगर तुम्हारे सर पर है तब भी खूबसूरत है, मेरे सर पर तब भी खूबसूरत, और ये जो लिबास शाही है बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा लतीफ है, लेकिन लतीफ अपनी जात में है, तुम्हारे जिस्म पर है तब भी खूबसूरत और किसी मजदूर के जिस्म पर है तब भी खूबसूरत। शाही छड़ी बड़ी हसीन बड़ी खूबसूरत, तुम्हारे हाथ में ये भी खूबसूरत, हमारे हाथ में खूबसूरत, किसी के हाथ में भी खूबसूरत। ये फौज है, ये दुनिया भर के तमाम लवाजिमात हैं, ये बहुत ही अहम है, लेकिन ये तुम्हारे साथ में तब भी अहम है, तुम्हारे घर के साथ में तब भी है। अंदर क्या है तुम्हारे अंदर क्या है, हमारे पास सब कुछ है, अगर इल्म नहीं है तो कोई चीजें जितनी चीजें सब फरावानी, ऊपर की चीजें हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे चश्मा हो, चाहे जूता हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बैंक बैलेंस, ये सब खारजी चीजें हैं। अपने अंदर अगर है हुनर हुआ है इल्म, इल्म आदमी को मुमताज करता है, और इल्म ही न होने की वजह से आदमी जलील हो जाता है। आज जो जिल्लत और रुसवाई और जो हमारी जबूहाली और ये जो खराबी हुई है, मैं मुसलमानों की जो ये गिले हैं, ये शिकवे, इनको रिजेक्ट करता हूं, इनको नहीं मानता। तू किसी काबिल होता दुनिया तुझे अपनी नजरों से गिराई नहीं, जरूरतमंद तो बनता तू, जरूरत बन जा जमाने की, जमीन की, जमान की, मकान की, वक्त की, समाज की, माशरे की, मेरी तेरी हुकूमत की, आवाम की, जज्बात की, सब की जरूरत हो जाए, तुझे जरूरत समझ कर अपना लेंगे, तुझे जरूरत के लायक ही नहीं, तेरी जरूरत ही नहीं, तो रिजेक्टेड चीज को हर आदमी रिजेक्ट कर देता। आज हम रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट क्यों हुए, तेरे रब ने जो कुरान मजीद नाज़िल किया था उसका पहला लफ्ज इकरा था, और नबी ने जो अपनी बेशक की वजह बताई उसमें फरमाया बरिस्तु मुअल्लिमा, इन दो जज्बाती पैगाम को हमने फरामोश कर दिया, हम बेहैसियत। सहाबा इकराम फरमाते जब मुसलमान कोई कोई इस्लाम कबूल करता तो हम उसके ऊपर सबसे पहले मेहनत करते थे, उसको इल्म सिखाते थे, तुम बताते थे तुम वो क्या, तुम्हारी जरूरत क्यों है, जमीन पर तुम्हें क्यों भेजा। मेरे भाई दोस्तों, आखिरी पैगाम, ये तमाम सारी बातों का निचोड़ ये है कि अपने बच्चों को वो इल्म दे दो जो उन्हें इंसान बना दे और आने वाले वक्त में उनको उनके उनकी शनाख्त मिल जाए, उनकी पहचान मिल जाए, उनका मकाम मिल जाए, उनका मर्तबा मिल जाए और उनकी जरूरत जमाने की हो जाए। इसके लिए करना है, कोई स्कूल कोई इदारा अपनी जात के स्कूल और इदारा नहीं हो सकता। आवाम जब तक अपने बच्चों को बैठा लेंगे, चाहे वो पेड़ के दरख्त के नीचे हो और चाहे वो किसी बयाबान में हो, चाहे दश्त में हो, चाहे सहरा में हो, वहां पर जहां बैठे बच्चे उसको क्लास बोलते हैं, उसको स्कूल बैठते बोलते हैं और वही उनकी मंजिल हुआ करती है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आखिर में कि मेरे भाई और दोस्तों, खाना एक वक्त का रोक दीजिए, उसकी जगह पर बच्चों को तालीम दे दी, तालीम अगर मिल गई तो बच्चों को सब कुछ मिल गया, और अगर आपने कैसे के अंदर बैठा कर सुबह शाम खाना खिला दिया, उनको पढ़ाया नहीं, वो जलील हो गए और आपने जलील किया है किसी दूसरे।
और जो जरूर हानि के शिकार हम हैं, आने वाली नस्लें और पीढ़ियों के पीढ़ियां हमारी सब जरूर हानि और जिल्लत का शिकार मेरे अजीज भाई यही पैगाम है। और ये जो तको तो की जा रही है, दौड़ा धूपी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, लोग दौड़ रहे हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ बाहरी मकसद, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसी के लिए कोशिश की जा रही है, आपको दावत दी जा रही है, पैगाम दिया जा रहा है कि बच्चों को लाइए। आपके जज्बात की और आपकी गैरत का ख्याल करते हुए हम अपने इस तालीमी निजाम को कायम करें जिसमें आपकी गैरत के ऊपर चोट नहीं पड़ने पाए, आपके जज्बात मजबूर नहीं होने पाए। बच्चियां जाती हैं स्कूलों के अंदर, इंटर पास होते होते गैरत का जनाजा निकाल देती है, दीन को भूल जाती है, तहजीब फना हो जाती है, बाप को याद नहीं कर बोलती है, और ऐसा अनुभव होता है जैसे लगता है दोस्त है या फ्रेंड है। क्या होता है? क्योंकि उन्होंने तालीम दिया है, अखलाक नहीं सिखाया, किरदार नहीं सिखाया, और जो सिखाया है वो गैरों का किरदार। हमारे हिंदुस्तानी मुआशरा नहीं है, यूरोप का मुआशरा कल भी कमजोर था, हिंदुस्तानी मुआशरा कल भी मजबूत था, अफजल था, आज भी अफजल है, लेकिन बस यही बात है कि हमने अपने जौहर की कदर नहीं किया, दूसरे के पत्थर को हमने सर पे रखा। इसी यही वजह है कि हम पिछड़ते चले जा रहे हैं चारों तरफ चारों मैदान में। मेरे भाई और दोस्तों, बच्चों को पढ़ाइए और जज्बात को कंट्रोल में रख कर रहिए, और साथ साथ में हमारे जो दीन का मौजू है, जो दीन की बुनियाद है, उसका लिहाज रखते चलिए। हमारे वहां आप मदरसे किसी स्कूल के अंदर जामे के अंदर अपने बच्चे को क्या चीज हम दे रहे हैं? हम दे रहे हैं मेरे भाइयों, तो उसको दे रहे हैं। आपकी गैरत का जनाजा नहीं निकालेंगे हम, सब हैं सब तो रहेंगे, और सख्ती ही हमारी पहचान है, शिद्दत ही हमारी पहचान है। हम मखलूक तालीम नहीं दे सकते। हम आपकी बच्चियों को किरदार सिखाएंगे लेकिन पर्दे के अंदर रहें, ये सिर्फ नाजुक है, नाजुक चीज को हमेशा संभाल के रखा जाता है, पत्थर दरवाजे के ऊपर उतारे जाते हैं और हीरा घर के अंदर संभाल के रखा जाता है। तो ये हीरे हैं, इन हीरों को जिस तरीके से आप संभाल के रखते हैं, इसी अंदाज में हम भी संभाल के रखते हैं, इस अंदाज में करवा देते हैं। इसके साथ में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये हम देंगे साथ साथ में एक और चीज देंगे जो हम आपको निशान देंगे। आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, मंडल मुरादाबाद बरेली मंडल के अंदर ये हिसाब नहीं है, ये चीज हम दे रहे हैं, इसलिए हम आपको तरगीब दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि आप हमारे वहां अपनी बच्चियों को एडमिशन दिलाइए और दीन और दुनिया दोनों से भरपूर फायदा उठाइए। अल्लाह ताला हम सब कुछ समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब मुफ्ती जहीम साहब को मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे मदरसे के शेखुल हदीस हैं, वो आएंगे, आपने दुआ करा दें और इस मजलिस का इख्तिताम मिला है इंशाअल्लाह।